बांटना पड़ा था। साइड हो जा, तंग ना करे यार। अरे यार ये तंग कर रहा हूँ भाई। सब माइक, ये माइक उठा लो नीचे। कैसे देखिए आप प्लीज आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने प्रदेश को बर्बादी और बदहाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। हरियाणा के सभी वर्ग लोगों ने साथ बदसलूकी और अपमानजनक व्यवहार किया। अब इनकी निकम्मी भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। मेरा प्रदेशवासियों से अपील है कि सभी भाई बहन आपस में प्रेम और भाईचारा रखते हुए चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और गुमराह करने वाले व्यक्तियों को सावधान रहें। 5 अक्टूबर को हाथ के बटन पर दबाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाने का अभियान किया है। जो इनका पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो सरकार के अत्याचार का शिकार न हो। इन जनविरोधी अत्याचारी सरकार के कुशासन में 78 लोग रिकॉर्ड है और किसी प्रदेश में 78 लोग पुलिस की गोली से मारे गए और उसमें मुख्य तौर पर दलित वर्ग था जो पंचकुला में मरा। 40 की गोली से मारे गए, उनमें 30 के करीब दलित थे। तो इस आमतौर पर परंपरा रही है कि जब चुनाव आते हैं तो सत्ता दल होता है वो आपकी उपलब्धियाँ बनाते हैं। इस सरकार ने कोई उपलब्धि नहीं बताई। पिछली सरकार 10 साल पुरानी सरकार की बातें करते रहे, इनने 10 साल क्या किया और ये मुद्दाहीन जो है ना प्रचार करते रहे। कुछ प्रचार उनके मुद्दे कोई नहीं थे इनके पास। मुद्दे ने कहा क्या मुद्दा किया, मुद्दा इन्होंने उठाया तो ये। अब वही पिछली सरकार में जमीनों पे बहुत वो हुए, किसानों की सस्ती जमीन लगी। इनको ये पता नहीं पिछली सरकार में हरियाणा में लैंड एक्विजिशन पॉलिसी पूरे देश में लागू की जो हमने लाई और उसी समय जो है फ्लोर रेट पूरे प्रदेश का पेश किया हमने। उससे पहले तो लूट रहे थे ये बीजेपी के जो इनाले की सरकार थी, किसानों को लूट रहे थे। मैं पहला प्रदेश हरियाणा है जो लैंड एक्विजिशन पूरे पॉलिस ले गया और पूरे देश में लागू की और इन्होंने डिल्यूट किया उसको। और जो एनुइटी का प्रोविजन किया था हमने कि भाई इनकी 3 साल एनुइटी मिलेगी वो भी दे रहे लोगों को। जो ये KMP बना है रिकॉर्ड में है, इन्होंने ऑफर दिया था कि 2 लाख रुपये देंगे कुल कंपनसेशन। उतनी जमीन का 140 करोड़ बनता था, मैंने मना कर दिया था हम किसानों को रुपये नहीं देंगे। फ्लोर रेट फीस दिया उतनी ही जमीन का 640 करोड़ रुपये कंपनसेशन दिया। इनने कौन सी जमीन का कंपनसेशन दिया भाई, इन्होंने तालुक नली जो है उसको दी। और एक नेशनल हाईवे जो मेरठ से राजस्थान जाना था, मेरे पास दोनों के पत्र है, हरियाणा सरकार ने कहा हम ये पहली प्रदेश की सरकार ऐसी है। आपके सामने जो आए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये तो पंचकुला का देखो